आज वाली वीडियो में ना मैं अपने लिए बहुत ही ज्यादा बड़ा ऑफिस को बिल्ड करने वाला हूँ। बहुत ही ज्यादा बड़ा भी नहीं, मैं सिर्फ नॉर्मली एक ही फ्लोर का जो है बनाने वाला हूँ। तो गाइस देरी किस बात की, फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल पे नहीं हो तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो जल्दी इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ओके तो गाइस आप लोगों को याद होगा कल वाले वीडियो में जो है मैंने यहाँ पे फ्लोरिंग का सिर्फ एक थोड़ा बहुत एक लाइन का यहाँ पे जो टाइल्स को लगा दिया था। पर गाइस अब बारी है पूरा का पूरा जितने में ग्राउंड फ्लोर में जितना भी है ना पूरा का पूरा जो मेरे को टाइल्स लगाना पड़ेगा। तो गाइस आज वाली वीडियो में बहुत ज्यादा मतलब गाइस मेरे ऑफिस के अंदर एलिवेटर लगाने वाला हूँ, मेरे लिए अंदर एक छोटा सा ऑफिस को बिल्ड करने वाला हूँ और एक मैं स्टेयर्स भी लगाने वाला हूँ और मैं एक रोलर भी लगाने वाला हूँ। उसके साथ साथ ना मैं अपने कार्स को भी अंदर पार्क करने वाला हूँ। तो गाइस आज वाली वीडियो थोड़ी बहुत लंबी भी हो सकती है और आज वाली वीडियो को पूरा का पूरा एंड तक देखना। अगर आज वाली वीडियो आप पूरी पूरी एंड तक देखते हो ना आपको भी जो है ऑफिस रीट मोड करना पता चल जाएगा। मतलब गाइस आपको भी पता चल जाएगा कि ऑफिस को आप कैसे जो है पूरा का पूरा एडिट कर सकते हो। मेरे जैसे बहुत ही अच्छा अच्छा ऑफिस जो है आप भी मेरे जैसे इजीली एडिट कर पाओगे। तो गाइस फटाफट से जो यहाँ पे जो पूरा का पूरा टाइल्स लगाना है पहले मेरे को नीचे का, उसके बाद जो है मैं साइड के काम और ऊपर के फ्लोरिंग के काम सारे के सारे कर पाऊंगा, नहीं तो नहीं होगा। तो फटाफट से फ्लोरिंग का काम जो है मेरे यहाँ पे देख सकते हो ज्यादा से ज्यादा कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पर एक टाइल्स लगा और कंप्लीट पूरा का पूरा हो चुका है। कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताना। अभी तक तो पूरा ऑफिस बिल्ड हुआ भी नहीं है और भी बहुत ही ज्यादा बाकी है। फिलहाल जो है नीचे फ्लोरिंग का काम जो है पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो फटाफट से बाजू के जो पूरे के पूरे डोर्स आते हैं ना उसको भी लगा लेते हैं। और गाइस वापस ऐड, यार मेरे को ये गेम के डेवलपर को वापस से पूछना पड़ेगा कि आप लोगों ने अपडेट के बाद बहुत ही ज्यादा एड्स को ऐड कर दिया तो इसको निकालना बनता ही है। आपको क्या कहना है, आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताना कि एड्स को रिमूव करना चाहिए या फिर नहीं। मेरे को तो बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब होता है ये एड्स, पता नहीं बीच बीच में कभी भी आ जाता रहता है। तो गाइस मेरे को बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब होता है, आपको कैसा होता है कमेंट करके जरूर बताना। और गाइस एड्स को रिमूव करना है कि नहीं करना है कमेंट करके ये भी बता देना। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर स्टेयर्स भी है, एलिवेटर है, रोलर भी है। तो गाइस कुछ नहीं, अपन को फटाफट से जो है बिल्ड करना पड़ेगा, उसके बाद जो ये सारे के सारे इसके अंदर मैं ऐड कर पाऊंगा। तो फाइनली मैं बाजू के जो है पूरे के पूरे वॉल्स का जो काम करना शुरू कर चुका जैसे कि आप देख रहे हो। बस गाइस मैं आप लोगों को एक बता दूं कि मेरे को जो है यहाँ पे बहुत ही ज्यादा आसान से काम क्यों लग रहा है यार इसको बिल्ड करना, मेरे को बहुत ज्यादा आसान जैसे लग रहा है यार। देख सकते हो इतना जल्दी मैंने एक साइड का लाइन भी कंप्लीट कर लिया है, अभी तो बहुत ज्यादा काम बाकी है। ऊपर वाला फ्लोर ना गाइस आप लोगों को मैं नेक्स्ट वाले वीडियो में भी नहीं बताने वाला, आप लोगों को नेक्स्ट ऊपर वाला जो फ्लोर है ना मैं अपने आप से बनाने वाला हूँ। और गाइस वो जो है मैं आप लोगों को कल वाले वीडियो में बताऊंगा कि गाइस मैं उसको कैसे जो है पूरा का पूरा कंप्लीट करूंगा। वो सिर्फ और सिर्फ मैं कंप्लीट करने वाला हूँ क्योंकि थोड़ा बहुत आप लोगों को सरप्राइज है कि मैं कौन सा जो है ऑफिस को एडिट करने वाला हूँ। तो गाइस फटाफट से सब्सक्राइब करो क्योंकि जो है 5K के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने में भी हम बहुत ही ज्यादा करीब है। तो गाइस फटाफट से 5K भी कंप्लीट करा देना, 5K भी कंप्लीट करा देना जल्दी से। उसके बाद जो आप लोगों को थोड़ा बहुत छोटा सा एक सरप्राइज भी देखने को मिल सकता है। ओके गाइस यहाँ पे फाइनली बाजू में जितने भी वॉल्स लगाने का काम था ना वो कंप्लीट हो चुका है। तो फटाफट से इसके ऊपर का जितना भी फ्लोरिंग का करना पड़ेगा, फर्स्ट फ्लोर का जितना भी यहाँ पे फ्लोरिंग का काम है उसको मैं फटाफट से स्टार्ट कर लेता हूँ, इसको भी कंप्लीट कर लेता हूँ। इसको भी कंप्लीट करने में टाइम लग सकता है क्योंकि गाइस थोड़ा बहुत तो टाइम लगे सकता है यार। अपडेट को हम लोग एक महीने से वेट करते हुए आ रहे, वो अपडेट आ चुका तो उसके ऊपर अपन को काम तो करना पड़ेगा और सारे का सारे टेस्ट करने वाले कि इसके अंदर क्या क्या अच्छे से ऑफिस जो है बना सकते हैं। और यहाँ पर देख सकते हो ऊपर का फर्स्ट फ्लोर का भी मेरा ना पूरा का पूरा पूरा यहाँ पर देख सकते हो कि नीचे का टाइल्स जितना भी लगाना था मैंने लगा लिया। और यहाँ पर देख सकते हो भाई क्या ही मस्त ऑफिस लग रही है। पर गाइस यहाँ पर मैंने जो बाजू में वॉल्स लगाने ना ये मेरे को वापस से डिलीट करना पड़ेगा क्योंकि गाइस मैं ट्रांसपेरेंट वाला लगाने वाला हूँ। तो देखते हैं क्या इसमें है कि नहीं है। पहले यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पर क्या ही मस्त लग रहा है ऑफिस। आप लोगों को ऑफिस कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना। और भी तो बहुत ही ज्यादा बड़ा ऑफिस को बिल्ड करना है और ये मेरा GTX कार्स वाला पता नहीं नीचे आ गया, उसको मैं बाद में ऊपर करूंगा। पर गाइस यहाँ पे मेरे को कॉर्नर का इसको रिमूव करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर मैं लगाने वाला हूँ एलिवेटर। क्योंकि इस एलिवेटर लगाने के बाद जो है उसके बाद जो अपन जो 24 सुपर कार्स को उसको ऊपर लेकर आ पाएंगे, नहीं तो कोई भी सुपर कार्स को अपन ऊपर नहीं लेकर आ पाएंगे। आप लोगों को पता ही है
स्टेयर से तो कार बिल्कुल ऊपर नहीं आती, सिर्फ और सिर्फ एलिवेटर से ही आती है। तो गाइस एलिवेटर से अपन को ऊपर करना पड़ेगा, इसीलिए जो है एलिवेटर यहाँ पे कोने में लगाना ही पड़ेगा। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हो एकदम कॉर्नर का एक जो मेरा वॉल था ना वो रिमूव हो चुका है, उसको लगाना पड़ेगा। यार अभी अभी अपडेट आया तो सीख रहे, तो ऐसा ही होता है, तो थोड़ा बहुत तो नॉर्मल चलता ही। आप लोगों को भी पता है अपडेट कल ही आया, तो यहाँ पर मैं एलिवेटर को फिट कर ही देता हूँ। और यहाँ पर ये मस्त लग रही, फिट कर देते, क्या फिट नहीं हुआ क्या? अरे यार वापस से करना पड़ेगा। ओके यहाँ पर ओके फिट हो चुका, और मेरे को बाजू में वापस से जहाँ पे फ्लोरिंग का काम करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे यहाँ पर जो एक गैप जैसा रह चुका है, मैं सोचता थोड़ा बहुत बड़ा होगा पर ये छोटा है, उतना भी बड़ा नहीं है। तो यहाँ पर मैं इसको ग्रैप कर देता हूँ, यहाँ पर भी ग्रैप कर ही देता हूँ। ग्रैप का मतलब ये कि वहाँ पर फिक्स हो जाता है। तो फटाफट से एलिवेटर को यूज़ करके देखते कि एलिवेटर कैसा यूज़ होता है, कैसा काम का है, क्या ऊपर लेकर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, क्या पता ग्लिच हो। तो यहाँ पर फटाफट से मैं एलिवेटर को अप कर देता हूँ, और भाई साहब क्या ही मस्त लग रहा है भाई। यहाँ पर आप देख सकते हो एलिवेटर के इस्तेमाल से मैं ऊपर भी आ चुका हूँ। तो आप में फटाफट से मैं डाउन फ्लोर में भी चले जाता हूँ, उसके बाद जो है मेरे को बाजू में जो है स्लाइडिंग डोर्स को लगाने पड़ेंगे। उसी को इस्तेमाल करते हुए मैं अपनी कार को अंदर लेकर आ सकता हूँ। तो फटाफट से जो है मैं उसको स्लाइडिंग वाले डोर्स को भी यहाँ पे लगा देता हूँ। उसके लिए मैं ना एलिवेटर के थोड़े बाजू में लगाने वाला हूँ, क्योंकि बस यहाँ से मैं अंदर लेकर आऊँगा और जहाँ उसके बाजू में एलिवेटर उसके इस्तेमाल से ऊपर लेकर जाऊँगा। इसी इतनी टाइम में भाई रात भी हो चुका है यार, पता भी नहीं चला रात भी हो चुका, क्योंकि ऑफिस को बिल्ड करते करते रात भी हो चुका है। तो यहाँ पर मैं स्लाइडिंग डोर यही है, तो इसको यहाँ पर मैं ग्रैब कर देता हूँ। फटाफट से यहाँ पे मैंने ग्रैब कर दिया। ओ यार शायद तक मैंने उसको मैंने ऊपर लगा दिया, तो फटाफट से ना यहाँ से मैं बैक करके नीचे जाकर देखता हूँ। अरे यार मैं तो कैमरे से भी आगे कर सकता था ना यार, तो कैसे यहाँ तक आ चुके तो देख ही लेते। अच्छा मैंने सोचा ही था, मैंने ऊपर लगा दिया उसको। तो फटाफट से इसको वापस से चलते हैं कंप्यूटर में और ऑफिस एडिट पे क्लिक करते हैं। और कैसे आप में से कितने लोगों ने 10 एड्स को वॉच करके ऑफिस एडिट को जो है इजीली जो अनलॉक कर लिया, कमेंट करके जरूर बताना। और गाइस कितने लोगों ने 82.3820 रुपीज देकर बाय किया है, कमेंट करके जरूर बताना। तो फटाफट से कमेंट करना। और गाइस इस वीडियो में ना फटाफट से लाइक करो यार, फटाफट से लाइक और सब्सक्राइब करो यार, फटाफट से लाइक और सब्सक्राइब करो, क्योंकि और भी जो हमारे इस गेम में अपडेट्स खतरनाक खतरनाक वाले आने वाले हैं। तो गाइस स्पीड टेस्ट और ट्रैफिक मोड भी बस थोड़े दिनों में आप लोगों को वो भी अपडेट देखने को मिल जाएगा। तो फटाफट से जो हम लोग यहाँ पे जो स्लाइडिंग डोर्स को भी यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैंने इजीली लगा दिया। और इसके ऊपर का भी मेरे को वापस से फ्लोरिंग का काम करना पड़ेगा, पर मैं अपने निशान GTR को लेकर जाकर देखता हूँ कि ये ना काम करता है कि नहीं स्लाइडिंग डोर। तो फटाफट से अपने निशान GTR को लेकर चलते हैं। पता नहीं गाइस यहाँ पे मेरे गेम में ना ये पुरानी वाली फरारी कैसे आई, मेरे पास था ही नहीं। आप लोगों को पता ही होगा कि मेरे पास सिर्फ सिर्फ निशान GTR फरारी XXX और सिर्फ सिर्फ मेरे पास मालदा X7 थी, मेरी डॉज वाइपर खो चुकी है। और यहाँ पे स्लाइडिंग डोर का इस्तेमाल क्या ही ऑसम है यार, कार का यहाँ पे मैं आगे लेके गया और फटाफट से वो निकल भी चुका है। और यहाँ से मैं अपने एलिवेटर के ऊपर इस्तेमाल करते हुए ना मैं ना इजीली अपनी गाड़ी को ऊपर भी लेकर जा सकता हूँ, पर मैं इसको एक काम करता हूँ ना बाजू में रख देता हूँ बाहर, क्योंकि सारा कुछ काम होने के बाद ही मैं अपने एलिवेटर से अपनी गाड़ियों को ऊपर लेकर जाऊँगा और मैं वहीं से ऊपर मेरी गाड़ी को खुदाने भी वाला हूँ। तो यहाँ पर देख सकता हूँ यहाँ पे एलिवेटर का जो काम है वो भी हो चुका, और मैं बाजू वाला स्लाइडिंग वाला जो डोर्स थे वो भी मैंने यहाँ पे फिट कर दिए। बाकी का इस एड्स बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं इस गेम के अंदर मेरे को, आपको डिस्टर्ब होता है या ना होता है कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि यार बहुत ज़्यादा ये एड्स बीच में कभी भी आता रहता है। गैस वापस गेम के डेवलपर को बोलना ही पड़ेगा कि गैस एड्स को थोड़ा बहुत जो है रिमूव आप लोगों को करना पड़ेगा, एड्स बहुत ही ज़्यादा जो है हमारे गेम के अंदर आ गए हैं। तो फटाफट से देख सकते हो यहाँ पर मेरे को बाजू में जो एक फ्लोरिंग का काम भी करना पड़ेगा वापस से। पर मैं काम करता हूँ ना, मेरे ना ऑफिस के आगे जो यहाँ पे जो ऑफिस के आगे जो दरवाजा लगा ना उसको लगा लेता हूँ। मैं ये वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ $1000 का भाई एक, यहाँ पे मैं फटाफट से अपने ऑफिस के आगे जो यहाँ पे लगाना है ना उस डोर के जो ना फटाफट से लगा लेता हूँ। यहाँ पे मेरे को शायद तक 3 लगाने पड़ेंगे यार, क्योंकि मैंने बहुत ही ज़्यादा गैप दे दिया। पर मैं एक काम करता हूँ बाजू में जो है और जो है वॉल्स को लगा देता हूँ, और 2 वॉल्स लगाऊंगा तो एक ही डोर में जो है काम कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर लगा देता हूँ एक डोर को, यहाँ पर मैंने एक डोर लगा दिया, फटाफट से इसको लगा ले तो ग्रैब कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कौन सा डोर लूँ, यहाँ पर मैं ये वाला डोर ले लेता हूँ। यार ये थोड़ा बड़ा लग रहा है, नहीं सेम तो साइज है। एक लगा दिया, दूसरा भी लगा दिया और तीसरा भी यहाँ पर मैंने फिट कर दिया है। मेरे को थोड़ा बहुत अच्छा तो लग रहा है, उतना भी गंदा नहीं है। यहाँ पे एक ओपन कर लिया, दूसरा भी ओपन करने का बाद में देखते हैं। पर यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे इतना तो गंदा नहीं लग रहा, थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा। पर यहाँ पे मेरे को बाजू में जो वॉल्स है ना वो ट्रांसपेरेंट नहीं है क्या, मेरे को वापस एक बार देखना पड़ेगा यार। ये बाजू वाले मैंने ओपन कर लिया, तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, कुछ काम नहीं इसका, इसका भी क्लोज कर देता हूँ, क्योंकि अभी अपन को ऑफिस को बंद करना ही पड़ेगा, क्योंकि कैसे अपन को एक करना है तो भाई पूरा ऑफिस को बंद करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर मैं वापस आ चुका ऑफिस रिमोट के अंदर, और यहाँ पर मैं इसको निकालता हूँ। पर ये रिमूव क्यों नहीं हो रहा भाई, नीचे
के टाइल्स रिमूव हो रहे पर ये क्यों नहीं हो रहा, शायद मैं कुछ ओपन करना पड़ेगा यार, मैं इसको ओपन करके आता हूँ। ओके मैंने एक ओपन कर लिया, दूसरा ओपन ये, तीसरा भी ओपन कर लिया। तो फटाफट से वापस से कंप्यूटर के अंदर चलते हैं, फटाफट से इसको भी डेकोरेशन के अंदर नहीं ऑफिस एडिट में उठ के आ चुका हूँ। यहाँ पर मैं डिलीट, अच्छा ऊपर करना पड़ेगा क्या, ओके एक डिलीट, दूसरा डिलीट, तीसरा डिलीट, और यहाँ पर मैं जो है बाजू बाजू में ना और एक जो है वॉल्स को लगा लेता हूँ। उसके बाद जो है मैं एक ही सिर्फ यहाँ पे दरवाजा लगाने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक वॉल को फिट कर लिया, दूसरे वॉल को भी यहाँ पे फिट कर लिया, और यहाँ पर अब आ रही है कि एक दरवाजे को लगाना। तो मैं दरवाजा भी सिलेक्ट कर लेता हूँ कौन सा जो यहाँ पे मेरे को फिट करना है। तो फटाफट से यहाँ पर मैं आ चुका हूँ और यहाँ पे डोर्स के पास आना पड़ेगा क्या, ओके डोर्स के पास आ चुका हूँ। यह वाला मेरे को बहुत ज्यादा अच्छा लगा तो इसको मैंने लगा दिया है। और इसका दरवाजा है ना थोड़ा बहुत ट्रांसपेरेंट है, बाहर से आप लोगों को दिख जाएगा कि मेरे का ऑफिस के अंदर कितने कार्स है और कौन सी कार से इजिली आप यहाँ से बाहर से इजिली आप देख सकते हो। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर है ना, यहाँ पे डोर्स के साथ साथ ना मेरे को यहाँ पर एक ही अच्छा लगा, तो मैं एक बार ये डिलीट करके देखता हूँ। मेरे को बाजू के जो वॉल्स है ना मेरे को वो उतना अच्छे नहीं लगे, मेरे को ट्रांसपेरेंट चाहिए। तो और ये ट्रांसपेरेंट है भाई, ये पूरा का पूरा ट्रांसपेरेंट जैसा लग रहा है। तो इससे जो मेरे को ना बाहर से नजर आ जाएगा कि अपने ऑफिस के अंदर कितने कार्स है, और ये जो है ना ऑफिस को लुक भी बहुत खतरनाक दे रहा है। पर गाइस यहाँ पर मेरे को ढूंढते ढूंढते ना उसके बराबरी में दो मिल चुके हैं। अभी यहाँ पर देख सकते हो ये भी ट्रांसपेरेंट है, उसके बाजू वाला भी ट्रांसपेरेंट है। इसमें से मेरे को ना राइट वाला बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, व्हाइट वाले से भी बनाएंगे, व्हाइट वाले से शायद तक मैं ऊपर वाला फ्लोर बनाने का सोच रहा हूँ। पर गाइस दोनों फ्लोर जो है अपन को एक ही जैसा बनाना है, तो गाइस अपन को कुछ नहीं करना, मैं राइट वाले से बना लेता हूँ। तो फटाफट से ना यहाँ पे जितने भी साइड के ना मैं फटाफट से डिलीट कर लेता हूँ और ये सारे के सारे को वापस से लगा लेता हूँ। और यहाँ पे मेरे को वापस से मेरे से बाजू में वापस वो लग चुका है, इसको मैं डिलीट करता हूँ और इसको भी डिलीट करता हूँ। और साइड के सारे डिलीट करने के बाद मेरे को जो अच्छा लगा ना उसको मैं फटाफट से लगा लेता हूँ। ओके गाइस मेरा सारे का सारा जो काम कंप्लीट हो चुका है, एलिवेटर लगाया था वो भी कंप्लीट हो चुका है। इसके साथ साथ मैंने स्लाइडिंग डोर्स को भी चेंज किया, जो कि मेरे को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहे थे, वो ये वाले स्लाइडिंग डोर्स, ये मेरे को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा पता नहीं क्यों, तो मैंने इसको ले लिया। तो फटाफट से मैं अभी एलिवेटर का यूज़ करने वाला हूँ अपने निशान GTR के साथ। तो फटाफट से मैं एलिवेटर को अप करता हूँ और अपनी गाड़ी को ऊपर से डायरेक्ट खुदाने वाला हूँ। ओके एलिवेटर बहुत ही ज़्यादा का अच्छा काम कर रहा, पर थोड़ा बहुत लैग जो है मेरे को देखने को मिला है, जो इतना बहुत तो चलता ही है। तो फटाफट से अपनी गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं, स्टार्ट करने के बाद यहाँ से अपनी गाड़ी को इतना गंदा खुदाने वाला। और ये भाई साहब मैं तो सोच रहा हूँ ना पीछे से खुला छोड़ दूँ ताकि मैं अपनी गाड़ी को ना फटाफट से नीचे ही धक्का दे के मैं उतार सकूँ। तो बाकी गाइस ये पूरा का पूरा काम तो हो चुका है, फटाफट से मेरे को स्टेयर्स भी लगाने हैं, स्टेयर्स भी लगाएंगे। पर गाइस यहाँ पर देख सकते हो विंडोज नहीं लगाने, यहाँ पर मैं काम करता हूँ ना रोलर लगाना शुरू कर देते हैं। रोलर कहाँ कहाँ लगाना है यहाँ पे देख ही लेते हैं। और यहाँ पर एक मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पर मैं एक लगाऊँ, पर यहाँ पे जो एलिवेटर के आगे अच्छा नहीं लगेगा, एक काम करता हूँ ना मैं सोचूँ साइड में थोड़ा रखूँ एलिवेटर के साइड में। तो यहाँ पर मैं एक लगा दूँ क्या सोच रहा हूँ, मैं एक काम करता हूँ कॉर्नर पे लगाता हूँ, यहाँ पर एक लगा देता हूँ और एकदम कॉर्नर में नहीं, कॉर्नर में मेरे को उस साइड कॉर्नर में स्टेयर्स को लगाने हैं। तो इस कॉर्नर में जो है मैं एक और जो है रोलर को फिट कर देता हूँ। इसका नाम मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता, आपको अगर नाम पता हो तो कमेंट करके बता देना कि इसका नाम क्या है। तो बाकी यहाँ पे मैं इस कोने में भी एक लगा देता हूँ ताकि मैं इस साइड जो है मेरे अच्छे रेयर कार्स को पार्क कर सकूँ, ताकि जो है मेरे को आगे से दिख जाए। तो बाकी यहाँ पर आगे देखते हैं कि यहाँ पर मैं और एक वाला किधर रखूँ। तो अरे यार ऊपर नहीं रखना यार, नीचे जाते हैं एकदम बीचों बीच एक रखना है मेरे को, वहाँ पर मैं निशान GTR को पार्क करूँगा। तो फटाफट से देखते हैं एकदम बीचों बीच कहाँ पर पड़ते हैं और वहीं पर फिट कर देंगे। बाकी गाइस यहाँ पे देख सकते हो एकदम बीच में ये, तो यहाँ पर जो मैं इसको फिट कर देता हूँ, फटाफट से इसको ग्रैब कर देते हैं, ग्रैब हो चुका है। यहाँ से हम बाहर से अंदर से आकर देख कर आता हूँ कि कैसा दिख रहा है। ओके मस्त तो दिख रहा है ना, पर मेरे को एलिवेटर के बाजू में जो है ना वो मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ फटाफट से। देरी किस बात, अरे यार वापस से ऐड हो चुका है, ऐड आने का थोड़ी बहुत वेट करना ही पड़ता है, क्योंकि गाइस एड्स भी तो है, एड्स की वजह से हमारे गेम के डेवलपर जो है पैसा कमा रहे हैं। इसके लिए हमने बहुत ही ज़्यादा एड्स को लगा दिया, तो इनको वापस से बोलना पड़ेगा यार कि एड्स को रिमूव करो। बाकी ये ट्रेडिंग वाला कुछ ऐड है, इससे अपन को कोई मतलब नहीं है, फटाफट से इसको क्रॉस वाले बटन को क्लिक करते हैं, क्रॉस वाला बटन आ चुका है। तो फटाफट से यहाँ पे जो है वापस से क्रॉस करना पड़ेगा, ओके क्रॉस कर दिया है, क्रॉस करने के बाद यहाँ वापस आ चुके हैं। फटाफट से कंप्यूटर के पास चलते, कंप्यूटर के पास जाने के बाद अपन को क्या करना है, मैं भूल गया यार क्या करना था, ओके ये वाला रोलर को डिलीट करना था जो बाजू में मैंने एलिवेटर के बाजू में लगाया था उसको, तो फटाफट से उसको डिलीट कर देते हैं। ओके ये रहा,
बहुत ही ज्यादा टाइम लग रहा है जो ऑफिस को एडिट करना, और आज वाली वीडियो शायद तक बहुत ही, ओ भाई ये तो बहुत ही ज्यादा जो है मेरी वीडियो जो बन चुकी है, शायद तक 20 मिनट से ऊपर मेरी जो वीडियो हो सकती है। तो गाइस आप लोगों को पता ही है स्टेयर्स भी लगाने वाला था, मैंने आपको बोला था, तो स्टेयर्स भी तो लगाने वाला हूं मैं, पर ये रेड रेड क्यों दिख रहा है यार, मेरे को इस साइड लगाना है, बाहर थोड़ा ना लगाना है मेरे को। ओके यहाँ पर ही अच्छा लग रहा था, ओके इसको मैं ग्रैब कर देता हूँ, यहाँ पर सही है ग्रैब कर देता हूँ, पर ये मेरे को बहुत ही ज़्यादा कॉर्नर नहीं लग रहा, तो मैं ऊपर का एक बार रिमूव कर देखता हूँ। यहाँ पर मैं ऊपर का रिमूव कर देता हूँ, जितना भी फ्लोरिंग का काम किया था, एक रिमूव यहाँ पे, दूसरा भी रिमूव यहाँ पे, तीसरा इसको रिमूव नहीं करना पड़ेगा, उसको एक कॉर्नर वाले को करना पड़ेगा। अरे यार वापस से मैं अपग्रेड में आ गया, ये बार बार ऐसा आता है पता नहीं क्यों। यहाँ पर मैं इसको भी रिमूव कर देता हूँ, रिमूव करने के बाद यहाँ पे देख सकती हूँ कि स्टेयर्स बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, पर मेरे को स्टेयर्स को ना रिमूव करना है, क्योंकि मेरे को इसको थोड़ा बहुत अलग जो है डायरेक्शन में रखना है, तो इसको थोड़ा बहुत रोटेट वाला जो ऑप्शन है ना उसको थोड़ा यूज़ करके जो इसको सही से फिट करते, रोटेट कर रहा हूँ तो यार भाई ये थोड़ा बाहर क्यों चले जा रहा है यार, मेरे को बाहर फिट नहीं करना, बाहर से कौन आएगा यार अंदर, ये तो अलग ही हो रहा है यार मेरे साथ, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। तो फटाफट से यहाँ पे देख लेते हैं कि कितना टाइम और भी लग सकता है इसको, यार भाई साइड में जाना ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, टाइम बहुत ही ज़्यादा लग रहा है। और यार वो मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था वैसे रखने का, पर वापस ओके ओके यहाँ पर लगा देता हूँ, और यार वापस से बाहर आ चुका है, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर मैं वापस इस एकदम कॉर्नर में लगाता हूँ यहाँ पर, ओके आराम से करेंगे भाई, आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। ऊपर का ना मैं थोड़े बहुत यहाँ पे काट ही लेता हूँ, तोड़ ही देता हूँ ताकि ऐसे एकदम अच्छे से फिट हो जाए। यहाँ पे मैं एक और निकाल चुका हूँ, एक और, ये एक और लास्ट एक ये भी निकाल दूँ, ताकि कैसे एकदम अच्छे से जो है हमारा काम हो जाए। तो गैस मैंने बाजू वाला जो नीचे में ना उसको भी रिमूव कर दिया, ओके ये नहीं था, ये तो ऊपर वाले लगते हैं, नीचे वाला ये, तो इसको यहाँ पे मैं ग्रैब कर देता हूँ, ओके ये भी फिट हो चुका है। तो फटाफट से मैं इसको जो लगा तो स्टेयर्स का आगे, ओके ये रहा स्टेयर, तो फटाफट से इस पे यहाँ पे लगा ही देते, यहाँ पे ग्रैब कर ही देते, पता नहीं ये बार बार बाहर क्यों आ जा रहा है, बाहर आ रहा है तो मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। रोटेट किया और यहाँ पर मेरे को ये अच्छा लग रहा है, इसको मैं ग्रैब कर देता हूँ, मेरे हिसाब से इसको मैं ग्रैब यहाँ पे कर ही देता हूँ, ओके हो जा भाई हो जा, ओके ग्रैब हो चुका है, थोड़ा बहुत टाइम लेता है क्योंकि गैस उसको भी पता है स्टेयर्स लगाना थोड़ा बहुत मुश्किल हो चुका है। तो यहाँ पर मैं फटाफट से इसको भी सारे के सारे ग्रैब कर लेता हूँ, इसको लगा लेता हूँ, वहाँ पे एक लगाना पड़ेगा नहीं तो मैं वहाँ से डायरेक्ट नीचे ही आ जाऊँगा, तो उसको लगाने पड़ेगा, इस साइड नहीं लगाना है क्योंकि यहाँ पर जो हमारा सर जो है भिड़ सकता है उससे, तो अपन को उस साइड नहीं लगाना इजिली, इतना तो पता ही है। तो फटाफट से इसको भी लगा लेते हैं यहाँ पर भी, और यहाँ पर एक लास्ट फिट कर लेते हैं, और स्टेयर्स का इस्तेमाल भी करते हैं कैसा बना हुआ है। ओके स्टेयर्स तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है मेरे को, पर और कॉर्नर में आता तो और अच्छा होता, पर स्टेयर्स का काम जो है कंप्लीट हो चुका है, और यहाँ पर मैं इजीली जो यहाँ पर देख सकता हूँ, और एक बार चढ़ूंगा तो मैं आ जाऊँगा ऊपर वाले फ्लोर पे। ऊपर वाला फ्लोर तो भाई मैं नेक्स्ट वाली वीडियो में बनाऊंगा, नहीं तो गाइस ये मैं अपने आप से बनाने वाला हूँ, उसके बाद ही आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। तो गाइस देख सकते हो क्या है मस्त जो अपना ऑफिस बिल्ड हो चुका है, और डेकोरेशन में तो और कुछ भी नहीं है, सपोर्ट्स में भी सारे के सारे हमने लगा दिया है, डोर्स में भी उतने ज़्यादा अच्छे नहीं थे मैंने लगा दिए, विंडोज उतना नहीं लगाया, वॉल्स भी थोड़ा बहुत सही था, जो अपन को अच्छा लगा उसको मैंने लगा दिया, और GTX कार वाला पता नहीं इसको मैं कैसे फिट करूंगा, बाकी ये तो मेरे को सही लग रहा है, सही लगा, यहाँ पे मैं अपडेट कर देता हूँ, $10 वाला यहाँ पे मैंने कर दिया, फिर भी ऊपर नहीं आ रहा मेरे हिसाब से, उसको मेरे को अच्छा मूव एंड डिलीट करना पड़ेगा, तो उसको मूव से शायद तक मेरे को जो अपने ऑफिस के ऊपर उसको फिट करना पड़ेगा, उसको बीचों बीच में फिट करूंगा, बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, उसको मैं बीचों बीच रखूंगा ताकि अपन को अच्छे से पता चले कि GTX कार का शोरूम है, शोरूम नहीं ऑफिस जैसा आप मान सकते हो। तो यहाँ पर मैं शायद तक मूव वाले पे मेरे को यहाँ पर ग्रैब करना पड़ेगा इसको, ओके यहाँ पर मैं आ चुका हूँ, इसको मैं फटाफट से जो है यहाँ पे GTX कार वाले को यहाँ पे मैं ग्रैब कर लेता हूँ, ग्रैब करने के बाद इसको एकदम सेंटर में यहाँ पे लगाने वाला हूँ, तो यहाँ पर मैं सेंटर पर लेकर आ चुका हूँ, सेंटर भाई ये कहाँ जा रहा है, अच्छा मैं थोड़ा ऊपर चले जाता हूँ, ऊपर जाने के बाद ही अच्छे से फिट हो पाएगा। ओके तो गाइस देख सकते हो एकदम सेंटर में होना चाहिए, एकदम सेंटर में, ओके थोड़ा आगे लेके आना पड़ेगा क्योंकि ज़्यादा पीछे अच्छा नहीं लगेगा। ओके यहाँ पे मैं ग्रैप इसको फिट कर ही देता हूँ, ओके फिट हो चुका है, और यहाँ पर देख सकते हो क्या ही मस्त लग रहा है। अब मैं इसको साइड हटाने वाला हूँ भाई मेरी कंप्यूटर को, और यहाँ पर देख सकते हो ऑफिस क्या ही मस्त लग रही है, और यहाँ पर देख सकते हो कि मेरे निशान GTR भी है, तो फटाफट से इसको रोलर के ऊपर लगा देता हूँ, यार पहली कार हमारी है, यहाँ से इसको अंदर लेके चलूँ क्या, नहीं यार बाजू में यार स्लाइडिंग वाले डोर्स लगा दिया तो इस यहाँ से क्यों अपनी गाड़ी को लेकर जाना, यहाँ से मैं लेकर जाता हूँ। गाइस यहाँ पे मेरे को पता नहीं डस्टबिन नहीं मिला यार, डस्टबिन में कहाँ लगा हुआ यार, मैं यहाँ पे जो एम्प्लॉय है वो कहाँ पे कचरा फेंकेगा, बाहर तो कोई भी डस्टबिन नहीं है यार मेरे हिसाब से। गेम के डेवलपर ने यहाँ पे देख सकते हो गाइस अपडेट में इसको शायद तक हटा दिया गया है, जिसके अंदर डस्टबिन बाहर दिखी नहीं है यार, यहाँ पे देख सकते हो क्लीन करने के लिए शायद तक वो अंदर चला चुका है, और यहाँ पर मैं कोई भी कार को नहीं रखने वाला हूँ, बाकी तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो Mazda RX-7 को यहाँ पर मैं रख ले वाला हूँ, तो फटाफट से इसको अंदर लेके चले जाते, वापस से एड आ चुका है, तो देख ही सकते हो, तो एड्स को अपन को थोड़ा बहुत स्किप करना पड़ेगा,
बाकी कैसे छोटे मोटे गेम्स के जो एड्स आते रहते हैं इसको अपन को थोड़ा बहुत इग्नोर करना ही पड़ेगा। बाकी फटाफट से जो इसको मैं अंदर चले जाता हूँ वापस, यार इसको क्रॉस कर ही लेते हैं। यहाँ पे कोई नॉर्मल से गेम की एड है, तो वापस मैं आ चुका अपने गेम के अंदर। और यहाँ पे पता नहीं ये फरारी कैसी आई यार, ये पुराने वाली फरारी मेरे को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। हमारे गेम के डेवलपर ने पता नहीं क्या किया अपडेट के बाद वो भी अंदर आ चुकी है। फटाफट से इसको भी मैं लेकर चले जाता हूँ, यहाँ पर मैं इसको रख देता हूँ। अब मैंने तो भाई पहले बोला था एकदम सेंटर में ना मैं तो अपनी निशान GTR को पार्क करने वाला, मैंने सेंटर पे उसको पार्क किया है। और मैं ये वाली फरारी को तो बिल्कुल अंदर नहीं रखूंगा, मैं फरारी XXX को रखूंगा। और फटाफट से मेरे को डॉज वाइपर को भी ढूंढना पड़ेगा, उसके बाद मेरे को उसको भी हमारे ऑफिस के अंदर पार्क करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो चार सुपरकार जो है बहुत ही ज्यादा रेयर है हमारे इस गेम के अंदर। तो फटाफट से इसको भी पार्क कर लेते हैं। स्लाइडिंग वाले डोर्स मेरे को बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। अपडेट आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि गाइस 1 मंथ से वेट करते हुए आ रहे थे इस अपडेट का। सारे के सारे मेरे काम हो चुके, एक काम मेरा रह गया है, वो है कि मेरे कंप्यूटर को अंदर लेकर जाना और गाइस उसको मैं थोड़ा बहुत उसको भी ऑफिस जैसा बनाना है। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो, वापस मैं कंप्यूटर में जाऊँगा और यहाँ पर मेरे को वापस से मूव वाले पे क्लिक करना पड़ेगा। मैं अपने कंप्यूटर को फटाफट से अंदर लेकर चलता हूँ। भाई वो तो रहा डस्टबिन, यहाँ डस्टबिन मैं बाहर ही रखा और मैंने सोचा कि डस्टबिन को कहाँ पे रखूँ, तो डस्टबिन को भी शायद तक मूव कर सकते हो, बाद में लगाने का देखेंगे। बाकी यहाँ पे मैं थोड़ा रोटेट कर लेता हूँ इसको, रोटेट करने के बाद इसको फिट करूंगा। ये शायद तक एकदम सेंटर पे, तो मैंने इसको लगा लिया है, तो बैक जाकर देखना पड़ेगा कि ये सेंटर में है कि नहीं है। ओके ये सेंटर में नहीं है यार, ये सेंटर में नहीं है, थोड़ा राइट साइड में इसको लगाना पड़ेगा। तो फटाफट से इसको भी लगा ही लेते हैं, कितना ही टाइम लगेगा। तो मूव वाले पे क्लिक किया और मैंने थोड़ा बहुत इसको रोटेट किया, रोटेट करने के बाद थोड़ा साइड लगाते हैं इसको, फटाफट से इसको थोड़ा बहुत साइड लगाते हैं और यहाँ पर ग्रैब कर लेते हैं इसको। ओके फिक्स हो चुका और ये एकदम सेंटर में मेरे हिसाब से, थोड़ा बहुत पीछे जाके देख लेते हैं। ओके ओके ये सेंटर में एकदम बिल्कुल। उसके बाद में अभी मैं थोड़ा बहुत ट्रांसपेरेंट वाले ग्लासेस लगाने वाला हूँ, तो इसको मैंने सोचा ही था कि मैं इसको ट्रांसपेरेंट वाले ग्लास के साथ इसको पूरा पूरा इसका डिज़ाइन देने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं एक छोड़ देता हूँ, दूसरे लेयर से बनाना शुरू करता हूँ। यहाँ पे एक लग चुका है, दूसरा लग चुका है, यहाँ पे मैं एक छोटा सा डोर भी लगाऊंगा, तो यहाँ पर उस साइड से भी एक छोड़कर ही बाजू में से आने वाले। यहाँ पर एक लग गया, यहाँ पर एक दूसरा भी लगा देता हूँ, तो दूसरा भी लग चुका है। अब मैं यहाँ पर ना एक इस साइड और एक इस साइड लगाऊंगा, उसके बाद यहाँ पर मैं एक डोर को भी फिक्स कर दूंगा, ताकि ऐसे मैं डोर को ओपन करूंगा और मैं अपने कंप्यूटर के अंदर से कुछ भी काम जो अपना काम कर सकते हो, इसलिए कोई भी वर्क रहेगा तो कर सकते हो। यहाँ पर एक और लगा देते हैं, एक और लगाने के बाद यहाँ पर देख सकते हो एक जो यहाँ पे एक मेरे को दरवाजा लगाना पड़ेगा, तो फटाफट से दरवाजा भी लगा लेते हैं। देरी किस बात की, फटाफट से डोर पे जाते हैं। यार ये वाली डोर मेरे को पता नहीं बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है, तो इसी को फिट कर देते हैं। यार ये रेड एंड ट्रांसपेरेंट वाले में तो गाइस बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो इसको यहाँ पे मैं फिट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो मेरे सारे का सारा काम जो है हो चुका है इसके अंदर। तो गाइस आज वाली वीडियो आप लोगों को थोड़ी भी अच्छी लगती है ना, फटाफट से इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। गाइस नेक्स्ट वाली वीडियो में आप लोगों को मैं नेक्स्ट वाला ऊपर वाला फ्लोर भी बनाकर आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि मैं अपने ऑफिस को कैसा बिल्ड करने वाला हूं। तो गाइस कल वाली वीडियो तक वेट कर लेना, कल वाली वीडियो बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकती है। तो गाइस अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से लाइक और सब्सक्राइब करो यार, फटाफट से 5K सब्सक्राइबर्स भी कंप्लीट करा दो। आपको एक छोटा सा मतलब सरप्राइज है यार 5K सब्सक्राइबर्स में, तो फटाफट से देरी किस बात की। तो गाइस आज वाली वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगती है, फटाफट से इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय गाइस, और गाइस मिलता है अगले वीडियो में।